हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप बरोड़ा EBSC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो खासकर ये जो वीडियो है, मैं हमारे BCOM सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने 10th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और 11th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है 12th चैप्टर हमारा, उसको शुरू करने जा रहे हैं। 12th चैप्टर है हमारा बिजनेस साइकिल यानी ट्रेड साइकिल यानी व्यापार चक्कर। तो व्यापार चक्रों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, बिजनेस साइकिल या इसको हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ट्रेड साइकिल हिंदी में हम इनको कहते हैं व्यापार चक्र। तो बेसिक सा एक बच्चों आपने बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो इकोनॉमी के अंदर ना तो कभी मंदी रहती है ना कभी तेजी रहती है। हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कभी मंदी है तो कभी तेजी है। तो ये जो उतार चढ़ाव हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं उसी को ही क्या कहा जाता है, ट्रेड साइकिल कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो क्लियर हुआ, यानी जो हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस जो आती हैं, उतार चढ़ाव जो आते हैं, उन्हें ही ट्रेड साइकिल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदी क्या है और तेजी क्या है। तो मंदी के बारे में मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन क्या होती है। डिप्रेशन के समय में सारी एक्टिविटी लो स्टेज पे होती है। लाइक अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट भी लो, प्रोडक्शन भी लो, एम्प्लॉयमेंट भी लो, बेरोजगारी ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट लो है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इस प्रकार सारी चीज़ें लो स्टेज पे होती हैं, किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। और जो हमारी प्रोस्पेरिटी है, तेजी है, तेजी के अंदर क्या होता है, इस सारी एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। लाइक जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की सारी एक्टिविटी में वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तेजी यानी बूम प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। तो ये जो मंदी और तेजी हमारी इकोनॉमी में जो आती रहती हैं, जो इस प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्कर कहा जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों, व्यापार चक्कर क्या है, जो हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं वो ही हमारे क्या है, ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल्स हैं। तो क्लियर हुआ। अब जैसे इसके अंदर एक डेफिनेशन दी आपकी बुक में, कहते हैं एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समय में या निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को ही व्यापार चक्र कहा जाता है। वही चीज मैंने कही कि एक इकोनॉमी में एक निश्चित समय के बाद जो डिप्रेशन और बूम या प्रोस्पेरिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो क्लियर हुआ। तो सबसे पहले अब हम करा क्लियर हो गया कि ट्रेड साइकिल क्या है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रेड साइकिल के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल्स, इसके बारे में अब हम जानेंगे। या हम कहते हैं ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल, टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी जो हमारे व्यापार चक्र है उसके कितने प्रकार है, कितने प्रकार के हमारे इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के इन्होंने बताए हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने कहा कि 3 टाइप्स के साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स हमारी इकोनॉमी में आते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो साइकिल्स इन्होंने बताए हैं वो है मेजर साइकिल्स। वो क्या बताए हैं, मेजर साइकिल्स यानी प्रमुख चक्कर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो प्रमुख चक्कर हैं, जो मेजर साइकिल्स हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो 8 ईयर से लेके 12 ईयर तक का होता है। 8 ईयर से लेके कितना, 12 ईयर तक का होता है। तो उनको क्या कहा जाता है, मेजर साइकिल्स या प्रमुख चक्कर। दूसरा, इन चक्करों की जो व्याख्या की थी वो की थी फ्रांस के हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर जगलर ने की थी, इसीलिए इनको हम जगलर साइकिल भी कहते हैं। क्लियर हुआ। इनकी अवधि 8 साल से 12 साल तक की होती है। फ्रांस के इकोनॉमिस्ट जगलर ने इसकी व्याख्या की थी, इसीलिए इसको जगलर साइकिल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। उसके बाद आता है सेकंड टाइप के बारे में हम जानेंगे आगे। सेकंड है माइनर साइकिल्स।
माइनर साइकल्स, माइनर साइकल्स यानी छोटे चक्कर, छोटे चक्कर। तो आपने ध्यान रखना है कि जो माइनर चक्कर होते हैं इनकी जो अवधि है वो 2 साल से 2 ईयर से लेकर 5 ईयर तक की होती है। जो माइनर साइकिल्स हमारे हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर से 5 ईयर तक का होता है, उनको हम क्या कहते हैं, माइनर साइकिल्स कहते हैं। और दूसरा, इसकी व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले एक हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, किचिन। कौन थे? किचिन। किचिन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने की थी और इसीलिए इसको किचिन साइकिल भी बोला जाता है, किचन साइकल्स। क्लियर हुआ? तो ये थे सेकंड टाइप्स के। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, वेरी लॉन्ग साइकल्स, वेरी लॉन्ग साइकल्स, वेरी लॉन्ग साइकल्स, साइकल्स बोल सकते हैं इनको, साइकल्स, वेरी लॉन्ग साइकल्स, अति दीर्घ चक्कर। तो आप ध्यान रखना बच्चों, जो वेरी लॉन्ग साइकल्स है इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड बहुत लंबे समय का होता है, इनका टाइम पीरियड बहुत लंबे समय का होता है। कितना टाइम पीरियड होता है? 50 से लेकर 60 ईयर तक इनका टाइम पीरियड होता है, 50 साल से लेकर 60 साल तक की अवधि के ये चक्कर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग साइकल्स। क्लियर हुआ? तो इसकी जो इकोनॉमी, जो व्याख्या की थी वो हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे कॉन्ट्राटीफ। कौन थे? कॉन्ट्राटीफ, 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 कॉन्ट्राटीफ एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, इसीलिए इसको कॉन्ट्राटीफ चक्कर भी कहा जाता है, कॉन्ट्राटीफ चक्कर भी कहा जाता है, कॉन्ट्राटीफ साइकल्स भी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? ये थे 3 टाइप्स के हमारे ट्रेड साइकल्स, जिसके 3 प्रकार होते हैं, तीनों के बारे में हमने जाना। तो क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद हमने जानना है फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, व्यापार चक्रों की अवस्था, उसके बारे में अब हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे व्यापार चक्रों की अवस्थाओं के बारे में, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, हमारे एक इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर सुमपीटर, प्रोफेसर सुमपीटर, प्रोफेसर सुमपीटर ने ट्रेड साइकिल की 4 फेजेस बताई हैं। कितनी फेजेस बताई हैं? 4 फेजेस यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं, किसकी? व्यापार चक्रों की। किसने? प्रोफेसर सुमपीटर ने। तो उन 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्लियर हुआ? तो हम जानते हैं कि वो 4 फेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो 4 फेजेस इन्होंने बताया। सबसे पहली फेज ध्यान रखनी है आपको, नंबर वाइज है तो ये चीज उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपने रखनी है। सबसे फर्स्ट जो फेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, बूम या प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी तेजी या समृद्धि, फर्स्ट फेज होती है। सेकंड है रिसेशन, सेकंड है रिसेशन, सुस्ती। थर्ड है डिप्रेशन, थर्ड हमारी स्टेज होती है डिप्रेशन यानी मंदी। और फोर्थ स्टेज होती है रिकवरी, फोर्थ स्टेज कौन सी है? रिकवरी यानी पुनरुत्थान। ये 4 स्टेजेस बताई है प्रोफेसर सुमपीटर ने हमारी ट्रेड साइकिल की। सबसे फर्स्ट बूम प्रोस्पेरिटी तेजी और समृद्धि, सेकंड सुस्ती, थर्ड है डिप्रेशन और फोर्थ है रिकवरी यानी पुनरुत्थान। तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं हमारे व्यापार चक्रों की, इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो हमारी है, सबसे पहली फेज, सबसे फर्स्ट फेज हमारी है, पहली अवस्था है वो है बूम। लेकिन उससे पहले इन 4 अवस्थाओं को हम एक डायग्राम में शो करेंगे। क्लियर हुआ? डायग्राम में शो करेंगे। तो ये डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है, इन इस डायग्राम में हम शो करेंगे इसकी 4 फेजेस को। क्लियर हुआ? ध्यान से बच्चों, थोड़ा ध्यान से। हम वाई एक्सिस पे लेंगे आउटपुट, यानी आउटपुट के माध्यम से हम दर्शाएंगे कि सुस्ती है, मंदी है, तेजी है
या क्या सीन है, उन फोर फेजेस को आउटपुट के माध्यम नजरिए से दर्शाएंगे और नीचे लेंगे टाइम, नीचे क्या लेंगे एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे रहेगा आउटपुट। एक लाइन बिल्कुल हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लगा देते हैं, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लगाई, इसको नाम दे दिया ई ई, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल। आपने ध्यान रखना है कि इस स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्लियर हुआ, बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट है इस लाइन के ऊपर। अब सबसे पहली स्टेज कौन सी थी हमारी, सबसे पहली स्टेज थी क्या बूम, सबसे पहली स्टेज थी क्या बूम, यानी इकोनॉमी सपोज करो यहां है, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है और फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जाती है और जब पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है, आप ये मानेगा ये पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है सबसे ऊंचा पॉइंट शीर्ष पॉइंट, उसको उस स्टेज को क्या बोलते हैं बूम यानी तेजी कहा जाता है या प्रोस्पेरिटी कहते हैं। उसके बाद बूम से इकोनॉमी नीचे गिरने लग जाती है, ऐसे ये बूम से इकोनॉमी नीचे गिर रही है और ये जो नीचे गिर रही है इसको सेकंड स्टेज का नाम देते हैं, सेकंड स्टेज कौन सी होती है रिसेशन, सुस्ती, सेकंड स्टेज रिसेशन यानी तेजी से मंदी की तरफ जब हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगती है उसको क्या कहते हैं रिसेशन। और सबसे जो डीप पॉइंट है, सबसे डीप पॉइंट यहां से इकोनॉमी गिर रही है, ये मान के चलिए क्या है डीप पॉइंट है, जब इकोनॉमी गिर जाती है बिल्कुल डीप पॉइंट पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, तो वो क्या होती है डिप्रेशन, उस स्टेज को क्या बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं यानी मंदी। और मंदी से जब हमारी इकोनॉमी निकलने लगती है, मंदी से हमारी इकोनॉमी क्या है निकलने लगती है, और जब ये निकल रही है मंदी से उस स्टेज को क्या बोलते हैं रिकवरी यानी पुनरुत्थान, और जब फिर ये पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उसको फिर क्या कहेंगे बूम, उसको फिर बूम, फिर इस प्रकार आगे जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, बूम रिसेशन और फिर डिप्रेशन फिर रिकवरी, इस प्रकार चलेगा। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेज हमारी जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल पीक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे बूम यानी तेजी, और फिर इकोनॉमी गिरने लगती है तेजी से मंदी की तरफ तो उसको बोलते हैं क्या रिसेशन, जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लो स्टेज पे पहुंच जाती है डीप पॉइंट पे पहुंच जाती है उसको हम बोलते हैं क्या डिप्रेशन, और जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन से निकलने लगती है तो उसको बोलते हैं क्या रिकवरी, डिप्रेशन दूर होने लगती है तो उसको पुनरुत्थान कहा जाता है। तो ये फोर स्टेजेस हैं हमारी इकोनॉमी की जो आपको ध्यान रखनी है और ये डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर हुआ, हमारी इकोनॉमी गिर रही है बिल्कुल लो पॉइंट पे डिप्रेशन, इससे निकलना रिकवरी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम टर्न टू टर्न जानेंगे स्टेज के बारे में कि उस बूम में क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है और रिकवरी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं बूम यानी तेजी की जो अवस्था है उसके अंदर क्या सिचुएशन होती है, कैसी चीजें क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो बूम यानी तेजी की जो अवस्था है उसमें हर एक्टिविटी के अंदर क्या होती है वृद्धि होती है, हर एक्टिविटी बढ़ती है। तो वैसे तो इस तेजी को, इस समृद्धि को, इस बूम को एक इकोनॉमी की सबसे बेस्ट सिचुएशन माना जाता है, सबसे बेस्ट सिचुएशन माना जाता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, प्राइसेस ज्यादा, यानी हर चीज के अंदर वृद्धि हो रही होती है और अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं प्रोस्पेरिटी या बूम का नाम देते हैं, यानी हर एक्टिविटी मैक्सिमम स्टेज के ऊपर इस स्टेज में होती है, हर एक्टिविटी में वृद्धि हो रही होती है, या दूसरा हम कहें सभी जितने भी साधन हैं हमारे उत्पादन के, जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे प्रोडक्शन के, वो उनका जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमम होता है, फैक्टर्स का जो एलोकेशन है वो क्या होता है ऑप्टिमम होता है इसके अंदर। तो अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, इसमें इनकम भी ज्यादा होती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर दोनों काम करते हैं। आपको पता है जब मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होती है, अंतर क्रिया होती है, वो भी फॉरवर्ड,
तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इनकम में वृद्धि हो जाती है। तो जब प्रोस्पेरिटी की स्टेज होती है तो वहां पर मल्टीप्लायर यानी गुणक और त्वरक दोनों के बीच में अंतर क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप इनकम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है और प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो एक चीज आपने ये याद ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, हमारे समाज के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर बेरोजगारी जो है वो समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी नाम की चीज तेजी की अवस्था में नहीं रहती है, या हम कहें फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है और कहीं कई बार तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल बन जाता है, यानी काम करने वाले लोग हैं नहीं और काम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। उसके बाद थर्ड, प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है, प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं। उसके बाद मजदूरी में लोग जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी और ब्याज की दरों के जो किराया या टैक्सेस, इन सभी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन कीमतों की तुलना में कम होती है। कीमतों में वृद्धि ज्यादा, और वृद्धि तो इनमें भी होती है सारी चीजों में जो मैंने अभी बताई, लेकिन इनमें जो वृद्धि है वो कीमतों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। उसके बाद जो प्रॉफिट की रेट है, क्योंकि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर का उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और जब उसमें वृद्धि हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगी, आशंसाएं जो हैं आशंसाओं में वृद्धि हो जाएगी, लोग आशावादी हो जाएंगे, प्रॉफिट नजर आने लग जाएगा उनको हर चीज के अंदर। और उसके बाद आप ये बताओगे कि आशावाद की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स की संख्या भी बढ़ जाती है, निवेशकर्ता भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी इसमें हर लोग को, हर जितने भी लोग हैं उनको क्या नजर आने लगता है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नजर आने लग जाता है और वो ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। फिर उसके बाद कहता है बैंक शाख में वृद्धि होने लगती है, जो बैंकों की शाख है, क्योंकि हर चीज में प्रॉफिट नजर आ रहा है और जो बैंक है वो भी ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या दे रहे होंगे, लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक शाख में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट नजर आ रहा है तो बैंक भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इमारत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देगा, उधार देगा, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आप बता सकते हो कि प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है, कहता समृद्धि की अवस्था में क्या होता है, जो हमारे उत्पादक हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जो सप्लाई तो कर ही रहे होते हैं लेकिन दूसरी साइड डिमांड भी बढ़ रही होती है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, प्राइस का लेवल बढ़ा हुआ है और प्राइस का लेवल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो दूसरी साइड लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और रोजगार मिलने से उनकी इनकम बढ़ रही है, तो वो डिमांड भी कर रहे हैं, एक साइड सप्लाई बढ़ रही है दूसरी साइड डिमांड भी बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि मांग में भी वृद्धि और पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो क्लियर हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आप बताओगे कि इस प्रकार सारी सिचुएशन के अंदर, सर एक्टिविटी के अंदर वृद्धि हो जाती है और सारी एक्टिविटी के अंदर जब वृद्धि हो जाती है तो कई बार इन्फ्लेशन के आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो क्लियर हुआ, ये थी फर्स्ट स्टेज, कौन सी, बूम। बूम के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अभी हम बात करेंगे सेकंड रिसेशन की, इसकी बात करेंगे सुस्ती की। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सुस्ती कैसे आती है, अब एक बात आपको खासकर ध्यान रखनी है, ना तो कभी हमेशा इकोनॉमी के अंदर तेजी रहती है ना मंदी रहती है। अब तेजी चल रही थी तो तेजी के अंदर भी बदलाव आना संभाविक है। अब क्या होगा कि जब तेजी के समय में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा होता है तो कई बार जो इन्वेस्टमेंट है ऐसे सेक्टर्स के अंदर हो जाता है, ऐसे उद्योगों में हो जाता है जो प्रॉफिट नहीं देते हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, लाभप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो लोग आशावादी थे वो क्या हो जाएंगे, निराशावादी। क्लियर हो रहा है ना, पहले आशावादी की प्रवृत्ति थी, हर व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ किसी उद्योग के अंदर और उस उद्योग ने प्रॉफिट नहीं दिया, वो प्रॉफिट ना देने के कारण आशावाद की जो प्रवृत्ति है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, निराशावाद के अंदर, और निराशावादी की प्रवृत्ति हमारी इकोनॉमी में आ जाएगी और उससे क्या होगा, लोग निवेश करना कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम, और बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जो उद्योग लगे हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और जब उद्योग बंद हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को जो रोजगार मिला हुआ था वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और इनकम में कमी आने लगेगी, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट था उसमें क्या पैदा हो गई, अब डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया और डिसइक्विलिब्रियम आ गया, लोग बेरोजगार हो गए। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश में वृद्धि हो गई, और बहुत ज्यादा मात्रा में जब निवेश में वृद्धि हो गई उससे क्या हुआ, कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ गया, लेबर की वेज बढ़ गई, और अन्य जो लागतें थी उनके अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और लागतों में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ गए लागतों में वृद्धि होने की वजह से, और प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली डिमांड जो है वो क्या आ जाएगी, कम। और जैसे ही डिमांड कम होगी, जो लोग हैं, कंपनियां हैं, उद्योग हैं, वो अपने माल को सस्ता बेचना शुरू कर देंगे, यानी मांग में कमी आना शुरू हो गई, और इससे क्या होगा, हर चीज के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ पर डिमांड भी गिरने लगेगी, सप्लाई भी गिरने लगेगी, लोगों का कंजप्शन भी गिरने लगेगा, क्योंकि इनकम कम हो गई है, सारी चीजें गिरने लगेंगी। और इसी स्टेज को ही क्या कहा जाता है, सुस्ती का नाम दिया है या रिसेशन का नाम दिया है। तो क्लियर हुआ, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन और इनकम में कमी होने लगती है, रोजगार में कमी होने लगती है, कीमतों में भी कमी होने लगती है, प्राइस भी गिरने लगते हैं, जो मजदूरी की दर है, रेट ऑफ वेज है, वो भी कम होने लगती है, प्रॉफिट भी कम होने लग जाता है, क्योंकि आशावाद से निराशावादी हो गए लोग, प्रॉफिट कम होने लग जाता है। और फिर जो बैंक साख है, जो पहले ज्यादा मात्रा में दे रहे थे, वो भी अपनी साख का क्या कर लेते हैं, संकुचन करने लग जाते हैं, साख को कम, यानी साख में कमी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निवेश भी हमारे, यानी इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाता है, जो मल्टीप्लायर और एक्सेलेटर पहले फॉरवर्ड काम कर रहे थे वो अब बैकवर्ड काम करने लग जाते हैं, मल्टीप्लायर जो है वो बैकवर्ड काम करने लग जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम उससे ज्यादा कम होने लग जाती है। तो और उसके अलावा जो डिमांड है वो भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, वस्तुओं का जो स्टॉक है उसमें भी कमी होने लगती है, और लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। तो ये स्टेज थी हमारी रिसेशन, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना, ये थी सुस्ती। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिप्रेशन, जो हमारी थर्ड स्टेज है डिप्रेशन, यानी मंदी। मंदी के बारे में अब हम जानेंगे। तो मंदी कौन सी स्टेज होती है, एक बार ध्यान, अभी हमने पिछली सेकंड स्टेज जानी सुस्ती, यानी सारी चीजें कम होने लगती हैं, लेकिन जब इन सारी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो जाती है, लगती नहीं है, हो जाती है, सुस्ती में होने लगती हैं और इसमें कमी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन का नाम देते हैं। हमने कहा कि प्रोडक्शन कम होने लगता है, लेकिन मंदी में क्या है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, रोजगार कम हो जाता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। मजदूरी जो है वो भी कम हो जाती है, इसके अलावा बैंक साख है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल स्टॉक नाम की चीज भी हमारी इकोनॉमी में नहीं रहती है। तो अल्टीमेटली जब सारी चीजों में कमी, हर एक्टिविटी लो स्टेज पे पहुंच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन का नाम देते हैं, मंदी का नाम देते हैं। क्लियर हुआ, ये थी हमारी तीसरी स्टेज मंदी। अब मैंने पहले भी कहा था कि ना तो मंदी हमेशा रहती है ना तेजी हमेशा रहती है, तेजी से मंदी आई, अब मंदी से हमारी इकोनॉमी रिकवर होगी, मंदी से निकलने लगेगी, वो कैसे, वो आपने ध्यान देना है कि कैसे निकलेगी हमारी इकोनॉमी किससे, मंदी से। अब क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने कहा कि सारी चीजें लो स्टेज पे पहुंच जाती हैं, इनकम कम, कंजप्शन, प्रोडक्शन, सारी चीजें लो स्टेज में पहुंच जाती हैं। तो एक छोटा सा रीजन मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या होता है कि जब डिप्रेशन आ जाती है तो सपोज करो इनकम कम और कंजप्शन भी कम, तो बट क्या होता है,
इनकम तो कम हो जाती है बट मंदी के समय में कई बार कंजप्शन कम नहीं हो पाता है, और जब कंजप्शन कम नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कंजप्शन कम क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि लोग उस कंजप्शन के आदि हो चुके होते हैं और वो मंदी के समय में कर्जा लेकर या लोन लेकर भी अपने उस कंजप्शन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जब कंजप्शन कम नहीं हो पाता है, और आपको पता है जब कंजप्शन बढ़ रहा है बट इनकम कम है फिर भी कंजप्शन बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हमें पता है जब कंजप्शन होगा डिमांड बढ़ेगी, लोग प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी रिकवर होने लगेगी, हमारी इकोनॉमी का पुनरुत्थान होने लगेगा। अब उसके बाद क्या है इसके अंदर, जब कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाएंगी, मैंने कहा ना कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाएंगी, जब कीमतें बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाती हैं तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ने लगती है, और डिमांड जब बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है सारी चीजों के अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहां पर एक चीज और भी है, क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो जो पुरानी मशीनें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगानी पड़ती हैं, और मशीनों का प्रतिस्थापन जब होगा तो जो हमारी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है या जो मशीनों को बनाने वाली इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्शन, उनकी डिमांड बढ़ गई तो वो उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा और वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, और अल्टीमेटली जब वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर दोनों की इंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, वो भी फॉरवर्ड, और वो इनकम को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाने लगते हैं और हमारी इकोनॉमी उस मंदी से निकलने लगती है। अब मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल बता दूं कि जब हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिप्रेशन आई थी 1929 और 30 के अंदर, 1929-30 के अंदर महामंदी आई थी, तो उस समय इस मंदी से किसने निकाला था, केन्ज ने। केन्ज की एक बुक आई थी 1936 के अंदर, तो उस बुक में उन्होंने विचार दिया था कि मंदी से कैसे निकला जा सकता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि मंदी से निकलने के लिए गवर्नमेंट को अपना इंटरफेयर करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर किस लिए करेगी, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए, उनका कहना था कि इफेक्टिव डिमांड कम है इसीलिए बेरोजगारी है और इसीलिए क्या है मंदी है, अगर हमें मंदी से निकलना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर आना है, तो हमें अफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, और अफेक्टिव डिमांड के अंदर क्या होता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। बट हम केन्ज जो सारी बातें कहता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और हम इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन को शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ा सकते, हम किसको बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट नहीं बढ़ पाता क्योंकि निराशावादी लोग होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जिससे पंप प्राइमिंग की प्रोसेस शुरू होगी, और इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लायर की प्रोसेस शुरू होगी, वो इनकम में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगी, और उसके बाद हम हमारी इकोनॉमी में मंदी से निकलने लगेंगे, बेरोजगारी दूर होने लगेगी, और ऐसा करने पर ऐसा पॉसिबल भी हो पाया। तो कहने का मतलब क्या है, मंदी से हमारी इकोनॉमी निकलेगी, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी या पुनरुत्थान। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो मैं विशेषताएं आपको बता दूं, कहता रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोडक्शन और इनकम में वृद्धि होने। अब रिप्लेसमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन, जो मशीनें पुरानी हो गई उसकी जगह नई लगाई, तो ये क्या है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हमारा होता है, या डेप्रिसिएशन के ऊपर जो खर्चा किया वो हमारा होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, मशीनों ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, लोगों को रोजगार मिला, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, रोजगार मिला, तो इस प्रकार प्रोडक्शन और इनकम में वृद्धि होने लग जाती है, रोजगार बढ़ता है, बढ़ने लगता है, और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है और कैपिटल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस भी बढ़ने लगती है, प्रॉफिट की रेट में भी वृद्धि होने लग जाती है, और इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होने लगती है, बैंक साख भी प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो ये थी विशेषताएं किसकी, रिकवरी की, पुनरुत्थान की, जब डिप्रेशन से हमारी इकोनॉमी निकलने लगती है और
सारी एक्टिविटी के अंदर वृद्धि होने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी कहते हैं, पुनरुत्थान। तो ये थी बच्चों हमारे ट्रेड साइकिल की चार अवस्थाएं, फोर फेजेस, जो प्रोफेसर सुमपीटर ने बताई, जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, इतना सा आप अच्छे के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा और आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक ही हमारी कमाई है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आप अपने फ्रेंड तक पहुँचा को, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।